दोस्तों, जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो सामने आ ही गई है। बहराइच से फिर से एक बार नई वीडियो सामने आई है, आप लोगों को दिखाऊंगा। हजारों लोग, लाखों लोग यही सवाल कर रहे थे, लोग मुंह से सोशल मीडिया पर यही बोल रहे थे कि आखिर बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के साथ वो हुआ जो बवाल हुआ हो रहा था, तब पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, यही लोग सवाल कर रहे थे। लेकिन वो वक्त आ गया है, अब आपको मैं दिखाऊंगा, आप लोग अपनी आंखों से वीडियो में देखिएगा कि उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी। ये वीडियो शायद लीक होकर आई है या जानबूझकर वायरल किया गया है, बहरहाल जो भी हो सामने आ गई है, आप लोग सच्चाई देख लीजिएगा। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पुलिस की ये कमजोरी है या क्या है, स्क्रीन पर आप देखिए, वही उत्तर प्रदेश की खबर है। रेप के आरोपी राहुल के घर पुलिस गई थी पकड़ने के लिए राहुल को, लेकिन घर वालों ने पथराव किया, लाठी डंडे की बरसात की, उसके बाद पुलिस का सर फटा। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं ब्लर कर रहा हूँ, पुलिस हॉस्पिटल चली गई, पुलिस वाले पुलिस को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पुलिस की कमजोरी है या उन लोगों को कौन बढ़ावा देता है? क्या उस टाइम पुलिस के पास ये वाला नहीं था? क्या ये वाला सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है? क्यों नहीं चलाई? बलात्कारी ने पुलिस को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और एक खबर देखिए, वही उत्तर प्रदेश की खबर है, एक आश्रम का बाबा दो नाबालिग लड़की को प्रसाद देता था, प्रसाद में नशीली दवा मिलाकर, उसके बाद गलत काम करता था वो बाबा। कई दिनों बाद या महीनों या सालों बाद लड़की के पेट में दर्द उठता है, हॉस्पिटल जाने के बाद, जाँच कराने के बाद पता चलता है कि पेट में तो बाबा का बच्चा है, तो बताइए, फिर वो बाबा पकड़े जाते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, क्या इस देश में पुलिस नहीं है? पुलिस है तो क्या पुलिस की कुछ कमजोरी है? क्या उन लोगों को पुलिस डर नहीं है, कानून नहीं है? पुलिस उन लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? स्क्रीन पर देखिए, भारत में, इसीलिए भारत में हर रोज लगभग 80 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये अलग खबर है, अब आइए मेन खबर की तरफ। जिस तरह लोग सवाल करते हैं, शायद आप भी सवाल कर रहे होंगे कि उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी। तो स्क्रीन पर देखिए, वीडियो स्लो कर रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। एक तरफ वो लोग बवाल कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस खड़ी थी, पुलिस के हाथ में बंदूक भी थी, टियर गैस वाली बंदूक, लेकिन पुलिस सीधा किया, उस तरफ घुमाया, टियर गैस दागने के लिए पुलिस तैयार हुई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, टियर गैस की बंदूक नहीं चली या नहीं चलाई जाती है, बहरहाल जो भी हो टियर गैस की बंदूक नहीं चलती है और पुलिस पीछे हटकर भाग जाती है। बताइए, बवाल करने वालों को देखकर अगर पुलिस इस तरह भागेगी तो बवाल करने वाले तो और उनको ताकत आ जाएगी, वो जो चाहेंगे कर गुजरेंगे। लोगों का कहना है कि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी या करना नहीं चाहती थी, जो भी हो, तो वो लोग बवाल कर रहे थे, राम गोपाल को उकसा रहे थे, बेचारे को ऊपर चढ़वा दिया, ख़त्म करवा दिया, बहुत नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? हम जैसे गरीबों का नुकसान हुआ है। मुस्लिम अभी अंदर जा रहे हैं और राम गोपाल बेचारा वो भी ख़त्म हो गया, कुल मिला करके नुकसान गरीबों का हुआ है और फ़ायदा उन लोगों का हुआ है जिनका ये प्लान था, जिनकी सोच थी। तो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, बड़े लोगों के बहकावे में, नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।